हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पिनाक दास और आप लोग देख रहे हैं डिजिटल पिनाक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा गूगल माई बिजनेस के बारे में। गूगल माई बिजनेस एक गूगल का एक अलग सा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी बिजनेस, आपका छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, या फिर आपका कॉरपोरेट बिजनेस हो, या फिर आप एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करते हो, या फिर आप घर से होम से आप कुछ डिलीवरी करके बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस आप करते हो, तो आप कैसे अपने बिजनेस को गूगल माई बिजनेस में लिस्टेड कर सकते हो, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, और आप जब अपने बिजनेस को गूगल माई बिजनेस में लिस्टेड कर रहे हो तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं साथ में ये भी दिखाऊंगा लोग कितने गलतियां करते हैं जब गूगल माई बिजनेस स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स के बिजनेस हो तो ब्लॉग इलेक्ट्रॉनिक क्लॉथ के बिजनेस हो, ऐसे बहुत सारे गलतियां लोग करते हैं, तो आज मैं आप लोगों को ये लाइव गलतियां भी दिखाऊंगा जो लोग कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और एक बात दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज से ये जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके वीडियो डालने वाला हूँ। कितना एक्सपीरियंस है मेरे गूगल बिजनेस को लेके वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, और गूगल माई बिजनेस को लेके मैं दो वीडियो डालने वाला हूँ। एक तो हो गया आज का वीडियो और दूसरा हो गया गूगल SEO के बारे में। तो पूरी दो वीडियो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर लास्ट तक देखने के बाद आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस करके मुझे एक लाइक देना, और आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो अगर आपके कोई रिलेटिव जो बिजनेस करता है उनको दिखाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गूगल माई बिजनेस मैंने साइट ओपन किया है अपने लैपटॉप पे। गूगल माई बिजनेस का फ़ायदा क्या होता है? गूगल माई बिजनेस में फ़ायदा ये होता है कि आपका बिजनेस जो है वो गूगल में लिस्टेड होता है, और गूगल में लिस्टेड होना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि आज के टाइम पे सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। आप कहीं पर भी जाते हैं तो लोग मोबाइल फ़ोन से ही अपना रूम सर्च करते हैं, जैसे होटल सर्च करते हैं, जैसे फ्लाइट सर्च करते हैं, वैसे खाना के लिए रेस्टोरेंट सर्च करते हैं, सभी कुछ आप गूगल में सर्च करते हैं। तो अगर आपका बिजनेस गूगल में नहीं है तो आप बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो आज के जनरेशन में आपको गूगल माय बिजनेस में लिस्टेड होना चाहिए। बहुत सारे शॉप्स हैं, मैं जहां रहता हूं मेरे नेटिव में बहुत ज्यादा शॉप्स हैं जो बहुत गलतियां करते हैं बहुत लोग, और मैं ये भी दिखाऊंगा मैं जहां रहता हूं वो लोग कैसे गूगल माय बिजनेस को यूज कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से पता भी नहीं है एक्चुअली गूगल माय बिजनेस यूज करना। तो आप लोग देख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गूगल माई बिजनेस एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल माई बिजनेस में अगर आप लिस्टेड करते हैं तो आपका बिजनेस वो मैप में आता है। जब भी लोग ऐसे सर्च करते हैं आप मैप में तो आपका बिजनेस शो करता है, या फिर अगर मैं यहाँ पे सिंपली गूगल में जाऊँ और सर्च करूँ मेरा बिजनेस, या फिर आप देख सकते हो स्पोर्ट्स गैलरी मेरा एक बिजनेस था जो मैंने बंद कर दिया, लेकिन मैंने गूगल से अभी हटाया नहीं, वे हटाने वाला हूँ अभी, इसलिए उससे पहले मैंने यह वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। या फिर आप देख सकते तो मेरा बिजनेस बंद हो चुका है अभी 2 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी 5 नंबर पे रैंक हो रहा है और 5 स्टार मिला था मुझे तब भी, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन एक बात और है कि गूगल माई बिजनेस के आप जब भी कोई सर्च करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑप्शंस दिखाते हैं, लोग पहले ऑप्शंस को ज्यादा क्लिक करते हैं। तो जो 3 ऑप्शंस दिखाई दे रही है इनमें रहना बहुत जरूरी है। 3 ऑप्शंस में रहने के लिए जो प्रोसेस है उसको SEO बोलते हैं। मैंने सिर्फ स्पोर्ट्स गैलरीज टाइप किया इसलिए इसके वजह से यहाँ पे बांग्लादेश का भी जो स्पोर्ट्स का शॉप है वो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने कोई भी प्लेस मेंशन नहीं किया यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया होता प्लेस, मेरा नेटिव का प्लेस हो गया, बार नियर बाई मी, मेरठ, जयपुर, त्रिशूर, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, गूगल में जब मैंने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया था तब मैंने गूगल से जो फी का जो वेबसाइट होता है वो भी मैंने ले लिया था, क्योंकि वो स्पोर्ट्स खिलाड़ी .com या फिर .in अवेलेबल नहीं था, तो मैंने गूगल का जो ऑप्शन था वो मैंने ले लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल की तरफ से एक फ्री का वेबसाइट आपको देता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेबसाइट ऐसे ओपन होता है, उसके बाद आप थोड़ा नीचे आते हो तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल दिया जाता है, लोग आपका जो पेज पर रिव्यू
कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोटोज़ जो आपने अपलोड किया था वो दिखाता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट आस में पूरा एग्जैक्ट मैप दिखाता है, कहाँ पे मेरा एग्जैक्ट लोकेशन है वो दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे कॉल नाउ, उसके बाद वो गेट डायरेक्शन, यहाँ पे कब ओपन होता है कब क्लोज होता है वो एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग आपको दिखाता है, क्योंकि मैंने वो एग्जैक्ट वो टाइमिंग है जो इन्फॉर्मेशन है मैंने दिया है। इसलिए अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालते हो तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालते हो तो आपके बिजनेस गूगल में होके हुए भी आपके बिजनेस को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो याद रखना आपको हमेशा सही डिटेल्स डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो गेट क्वेट है, कॉल नाउ, गेट डायरेक्शन, बहुत कुछ ऑप्शंस आप यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गूगल माई बिजनेस कैसे पेज ओपन करते हैं अगर आपका बिजनेस है तो। इसके लिए आपको साइन इन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है या फिर आपका नहीं है तो मैनेज नाउ पे क्लिक करना है। जब आप मैनेज नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा अपना जीमेल आईडी आपको देने के लिए। मैं नया आईडी खोलने वाला हूँ तो मैं एक नया आईडी से आप बोलता हूँ सिर्फ मैं ये आप लोगों को दिखाने के लिए बनाऊंगा, उसके बाद मैं ये डिलीट करने वाला हूँ, मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये मेरा सिर्फ डेमो है आप लोगों का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया फाइंड एंड मैनेज योर बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस का नाम क्या होगा वो आपको देना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन दिया है कैसे आपका बिजनेस दिखाई देगा, ये आपको गूगल की तरफ से दिखाई दे रहा है। आप इसको एग्जैक्टली आप जैसे भी नेम, जैसे कि आप यहाँ पे जानते हैं मेरा बिजनेस ऑलरेडी बंद है तो मैं फिर भी यहाँ पे देख लाऊँ स्पोर्ट्स गैलरी। यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स गैलरी देते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहेगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है गूगल में, तमिलनाडु पे एक, त्रिशूर केरला पे एक, महाराष्ट्र पे एक, अहमदाबाद गुजरात पे है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ये आप शॉप का नाम हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं क्रिएट ए बिजनेस विद दिस नेम। उसके बाद गूगल आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा दे व्हाट्स द नेम ऑफ योर बिजनेस दैट एंड आपको बोल रहा है कि टर्म्स एंड सर्विस पॉलिसियों को पढ़ने के लिए। उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए नेक्स्ट में क्लिक करके आप, उसके बाद पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक ए स्टोर और ऑफिस। उसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बिजनेस पे लोग आपको स्टोर पे आए, अगर आपका बिजनेस है स्टोर है तो आपको ज़रूर आने के लिए यस देना है, अगर आपका स्टोर नहीं है तो आप नो देंगे। जब मैं सिंपली यहाँ पे यस देता हूँ और नेक्स्ट मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द एड्रेस, आपका बिजनेस का एड्रेस सही एड्रेस आपको डालना है, कोई भी गलत एड्रेस आपको नहीं डालना है। उसके बाद देखिए मैं अपना बिजनेस जब डालता हूँ तो सिंपली मैंने अपना यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, पिन कोड भी डाल दिया, स्टेट में डालता हूँ मैं हूँ त्रिपुरा से, सो मैं यहाँ पे त्रिपुरा डाल दूंगा और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूछ रहा है कि ये स्पोर्ट्स गैलरी जो है ऑलरेडी एक है वो मेरा है कि ये मेरा मुझसे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जब गूगल ने सर्च किया मेरा लोकेशन पे ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स गैलरी के शॉप से जो, तो मैं अभी दिस डज नॉट मैच, वो मेरे से मैच नहीं करता, वो मेरा नहीं है तो मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा। उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है मेरा, कहाँ पे है मेरा बिजनेस, ड्रैग एंड जूम द मैप दैट पोजिशन द मार्केट ऑन द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर योर बिजनेस इज लोकेटेड। आपका बिजनेस कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड कर रहा है आपको यहाँ पे लिस्टेड करना है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं जहाँ पे हूँ अभी वो वहाँ का ही GPS से वो अभी ट्रैक करता है। आप अगर आपकी स्टोर पे हो तो आप गूगल माई प्लेस पर जाके क्रिएट कर सकते हो, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद नेक्स्ट में मैं क्लिक कर दूँगा, ऐसे ही मैंने एक और दिया, आप बोल रहे डू यू ऑल्सो सर्व कस्टमर आउटसाइड दिस लोकेशन, मतलब एग्जांपल इफ यू विजिट और डिलीवर्ड। आप या पूछ रहे हैं कि आप डिलीवरी देते हो कस्टमर्स को, या तो मैं आप लूँगा येस आई सर्वड देम आउटसाइड माई लोकेशन, या मैं सर्च देता हूँ यू विल लेट देम नो वेयर यू आर विलिंग, मतलब लोग मेरे स्टोर पे आएंगे अगर मैं सर्व नहीं करता आउटसाइड तो वो मेरे स्टोर पे नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि येस आई ऑल्सो सर्व देम आउटसाइड माई लोकेशन, देखे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं एट द स्ट्रीट यू सर्व ऑप्शंस, ऑप्शनल है ये, वो कहाँ पे है एग्जैक्ट देख लें, यू कैन लिस्ट यू सर्व या बिलो देन यू विल शो अप ऑन योर लिस्टिंग एंड हेल्प ब्रिंग रिलेवेंट कस्टमर।
कस्टमर्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च के लिए कहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ अगरतला, मैं अभी अगरतला में हूँ, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ अगरतला। मतलब आपका बिजनेस जैसे एक प्लेसमेंट है, तो आपकी बिजनेस की नज़दीक में जितने भी प्लेस है उसको आप यहाँ पे प्लेसेस कर सकते हो। जैसे मैंने अगरतला त्रिपुरा दे दिया, अगर मैं आपकी बिजनेस के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी प्लेसेस है सबको अगर आप ये मेंशन कर देते हो, तो लोग इस प्लेस के अंदर अगर लोग आते हैं आपके 5 किलोमीटर के अंदर और सर्च करते हैं रेस्टोरेंट नियर बाय मी, तब आपका बिजनेस शो होगा, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हमेशा याद रखना, आपकी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी प्लेसेस है वो यहाँ पे लिस्टेड कर देना। फिर रामनगर देता हूँ, रामनगर त्रिपुरा, त्रिपुरा रामनगर यहाँ पे देख सकते हो, ये लिस्टेड हो गया। मतलब मैं रामनगर से नज़दीक में हूँ, तो रामनगर में अगर जितने भी लोग हैं वो अगर सर्च करते हैं कुछ नया, जैसे रेस्टोरेंट नियर बाय मी, स्पोर्ट्स गैलरी, स्पोर्ट्स आइटम देखे थे, बॉल चाहिए उनको नियर बाय मी, तो वो मेरा लिस्टेड होगा, वो आप उसको देखे शो करेगा। उसके बाद चूज द कैटेगरी दैट फिट्स योर बिजनेस बेस्ट, कौन सा कैटेगरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपका स्पोर्ट्स, आपका जो बिजनेस है वो कौन से कैटेगरी में है वो चूज करना आपको बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं जिसके वजह से उनके बिजनेस लिस्टेड में नहीं आते। अगर गलती में आते, जैसे कि स्पोर्ट्स का बिजनेस है, तो जैसे कि मैं आप यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि मैं देखता हूँ क्लॉथ शॉप कुमारघाट मेरा नेटिव प्लेस है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्लॉथ शॉप। यहाँ पे देख सकते हैं माँ मनशा बानी माँ, बहुत सारा देवड़ॉय, पूर्णलक्ष्मी, जनप्रिया, जैंट्स, ये बहुत सारे आगे। यहाँ पे एक देख सकते हो कि भारत मशीनरी, आगे भारत मशीनरी वेरी बैड लिस्टेड, क्योंकि आपके कंपनी या फिर शॉप जो भी है आपका वो मशीनरी के ऊपर है, लेकिन आपने इसको आपका रिव्यू क्लॉथ स्टोर दे दिया, जो आपका सर्च में भी नहीं आएगा। जब मशीनरी के सर्च होगा उसमें भी आप लिस्टेड नहीं होंगे, और क्लॉथ में आप आ रहे हो तो लोग आपको इस पर क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो और भी बहुत सारे हैं, जो यहाँ पे देखिए माँ दुर्गा ज्वेलरी, हाईटेक कंप्यूटर शॉप्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती और लोग करते हैं, तो ऐसे होता है। तो वैसे आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को परफेक्टली अपना एड्रेस देना है, जिसके वजह से आपको हेल्प मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपना चूज द कैटेगरी है, तो कैटेगरी में स्पोर्ट्स मैं लिखाऊंगा, स्पोर्ट्स आपने लिखा स्पोर्ट्स लिखते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स बार है, क्लब है, स्कूल है, कॉम्प्लेक्स है, वेयर शॉप्स है, क्लार्ट शॉप्स है, एसोसिएशन है, न्यूट्रिशन शॉप है, मेडिसिन है, एक्सेसरीज होलसेल था मेरा, तो स्पोर्ट्स एक्सेसरीज होलसेल का बिजनेस था मेरा, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ और मैं ओके देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मोबाइल नंबर देना है उनको, अगर आपका कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ। करंट वेब एड्रेस तो मेरा अभी तो नहीं है, आई डोंट नीड वेबसाइट, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और एक है कि गेट ए फ्री वेबसाइट बेस्ड ऑन यूर इन्फो, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, आपको एक वेबसाइट मिल जाएगा गूगल की तरफ से, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप इसको कहीं भी लोगों को शेयर कर सकते हो, लोग आपके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, आपको एक बहुत फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपका शॉप का क्लॉथ का होता है, तो आप क्लॉथ जितने भी फोटो अपलोड करोगे तो लोग वो क्लॉथ देख सकते हैं। उसके बाद आप क्लॉथ के नीचे रेट भी लगा सकते हो, कितने प्राइस का आ रहा है वो प्रोडक्ट, वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। या फिर उसके बाद पोस्ट भी डाल सकते हो, वो बहुत भी हेल्पफुल होता है। उसके बाद आई डोंट नीड ए वेबसाइट, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं एक डेमो है आप लोगों को बता दूँ। तो अगर आपको वेबसाइट नहीं है तो आप यहाँ पे फ्री लिख सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। फिनिश पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चूज ए वे टू वेरीफाई यहाँ पे आ रहा है। एक है पोस्ट कार्ड बाय मेल, अगर पोस्ट कार्ड बाय मेल आप चूज करते हैं तो यहाँ पे
कॉन्टैक्ट नेम आप दे सकते हो जो आपको गूगल की तरफ से आपको भेजा जाएगा, जिसके मदद से आप वेरीफाई कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि इससे गूगल को पता चलता है कि ये शॉप एग्जैक्टली यहाँ पे है, तो आपका बिजनेस जो गूगल में रैंक होने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो वैसे आप अपना बिजनेस को यहाँ पे लिस्टेड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई लेटर क्लिक करता हूँ क्योंकि ये डेमो है, उसके बाद मैं ये डिलीट कर दूँगा बाद में। तो यहाँ पे मैं लेटर में क्लिक करके यहाँ पे मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम टू माय गूगल बिजनेस गेट स्टार्ट। यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करके आप अपना बिजनेस साइट हैंडल कर सकते हो। पूरे वेबसाइट की तरह आपको मिल गया डैशबोर्ड मिल गया, आप इस डैशबोर्ड से बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे पोस्ट है, पोस्ट कर सकते हो, उसके बाद क्रिएट पोस्ट ऑफर ऑफर पोस्ट, आप यहाँ पे लोगों को ऑफर दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10% एंटायर स्टोर, 10% ऑफ ऑन द एंटायर स्टोर फेब्रुआरी 10 तक है। ये से आप बहुत सारे ऑफर भी दे सकते हो। आप उसके बाद आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन आप कुछ ऐड करना चाहते हो जम, तो आप ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कितने टाइम पे ओपन होता है, कितने टाइम पे खुलता है, और बहुत कुछ यहाँ पे आप दे सकते हो जो बहुत ही हेल्पफुल होता है, इसको देना चाहिए। उसके बाद एंटायर स्टोर कोड मतलब अगर आपका ब्रांचेस है एक, जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, पिज्ज़ा बार हो गया, बहुत बड़े बड़े जो जिनके चेन बिजनेस है उनका एक नाम पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज है इंडिया पे और आउटसाइड भी। तो वो लोग क्या करते हैं, कोड यूज़ करते हैं जिसके वजह से पता चलता है कौन से लोकेशन पे कौन सा बिजनेस है, कौन सा कोड लोग यूज़ कर रहे हैं। लेबल भी दे सकते हो, लेबल यूज़ करने से क्या होता है, ऑर्गेनाइज बिजनेस लोकेलेट बाई एडिंग लेवल, एनी वन हु मैनेज ए लोकेशन ऑन गूगल कैन सी इट लेवल, आपका लेवल वो लोग देख सकते हैं और आपको मदद मिल सकता है। आप यहाँ पे लेवल भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे इनसाइट देख सकते हो कितने लोग आप लोग को फोटो देख रहे हैं। इनसाइट देखने के लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, पहले मोबाइल फोन से भी वेरीफाई कर सकते हो, पोस्टकार्ड से भी वेरीफाई करना ज्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के बिजनेस के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप रिव्यू देख सकते हो। उसके बाद कोई अगर मैसेज करता है आपके शॉप पे तो आप इसे रिप्लाई कर सकते हो, फोटोस आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। वेबसाइट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे इसे क्रिएट कर सकते हो और एक वेबसाइट को आप यहाँ से पूरी तरह से मैनेज कर सकते हो। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेरा वेबसाइट ऐसा होगा, आप मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं इस नेम को एडिट करके चेंज कर सकता हूँ, फोटोज डाल सकता हूँ, थीम को चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे मोर ऑप्शन से आपका क्लिक करके पूरी वेबसाइट को मैं हैंडल कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे यूज़र में ऐड कर सकता हूँ, यूज़र मतलब कोई और भी मुझे मेरा इस प्रोफाइल को हैंडल करे, मैं उसको चाहूँ तो उसका नेम और ईमेल एड्रेस देख के इसको ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप तो आप देख सकते हो रूल है, ओनर है, मैनेज है, साइट मैनेजर है। तो आप ऐड करना चाहते हो उसे आप क्या रूल देना चाहते हो, मैनेजर का, ओनर का या साइट मैनेजर का। अगर आप ओनर का देना चाहते हो तो वो आपका जो ओनरशिप है वो उसके पास भी रहेगा, वो भी चाहे तो किसी को निकाल सकता है, ऐड कर सकता है। अगर मैनेजर में डालते हो वो किसी को ऐड नहीं कर पाएगा, ऐसे बाकी सब कर सकता है जो आप कर सकते हो। लेकिन साइट मैनेजर आप देते हो तो वो सिर्फ रिव्यू का रिप्लाई दे सकता है, फोटो अपलोड कर सकता है और मैसेज का रिप्लाई दे सकता है, बाकी आप वो कुछ नहीं कर पाए। वो साइट अगर आप किसी को देते हो तो साइट मैनेजर देना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो सब कुछ ही कर पाएगा, सिर्फ किसी को निकल नहीं पाएगा या फिर कुछ एडिट कर। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट एन एड, आप मैं यहाँ पे दिखाता हूँ पिज्ज़ा हट मैं यहाँ पे डालता हूँ तो पिज्ज़ा हट यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारे, वो ऐड नहीं है अभी, ऐड नहीं है लेकिन वो ऐड होता है, बहुत ज़्यादा ऐड होता है। वो ऐसे यहाँ पे ऐड लिखा होगा, ऐड ही लिखा होगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐड चल रहा है। तो आप ऐसे ऐड भी रन कर सकते हो। उसके बाद गेट कस्टम जीमेल, आपको एक कस्टम जीमेल चाहिए वो भी आप ऐड न्यू लोकेशन पे, अगर आपका बिजनेस मैनेज लोकेशन वेरिफिकेशन लोकेशन लिंक्ड अकाउंट, आपका कोई दूसरा अकाउंट लिंक करना चाहता हो, उसके बाद सेटिंग में जाके और भी सपोर्ट आकर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया गूगल माई बिजनेस के बारे में। दूसरा वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा कैसे आप अपने ऐड रन कर सकते हो। इसके बाद मैं आप लोग को ये भी दिखाऊंगा कैसे आप गूगल माई बिजनेस को एसईओ कर सकते हो, जो आपको बिजनेस को रैंक होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा।
तो अगर आप अभी तक गूगल माई बिजनेस में अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि गूगल माई बिजनेस जो एकदम फ्री है आपको। एक गूगल माई बिजनेस में जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपका बिजनेस वो मैप में भी लिस्टेड हो जाएगा, उसके बाद गूगल सर्च में भी लिस्टेड हो जाएगा। गूगल सर्च में और गूगल मैप में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। तो आज की वीडियो इतना ही तक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे इस यूट्यूब चैनल को दूसरों के साथ शेयर करना और इस वीडियो को भी शेयर करना दूसरों के साथ। मैं इस तरह और भी वीडियो आप लोगों के साथ लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।